अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान का 4 रोज़ा तारीखी दौरा मुकम्मल करके वापस चले गई। रवानगी पर अंतोनियो गुतरेस ने शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस रवाना हुए। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मेहमान को रुखसत किया और अलविदाई मुलाकात के मौके पर उन्हें दौरे पाकिस्तान का यादगारी तस्वीरी एल्बम भी पेश किया गया। पाकिस्तान से रवानगी के वक्त अपने ट्विटर पैगाम में अक्वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अपना दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस जा रहा हूँ। लाहौर की सकाफत और तारीख से बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। अपने शानदार दौरे पर पाकिस्तानी अवाम का मशकूर हूँ। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर में मुतअद्दिद तकारीब में शिरकत की। उन्होंने जहां अफगान महाजरीन से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब और आला सियासी और अस्करी क्यादत से मुलाकातें की, वहीं लाहौर के शाही किले की सैर के अलावा करतारपुर कॉरिडोर का भी दौरा किया। सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम है, खुद को मसरूफ रखें, सोच बड़ी रखें और बेहतर दुनिया की तामीर के लिए कोशिशें करते रहें। Because we need to defeat climate change, because we need to have a fair normalization and to defeat inequality, and because we need to make new technologies a force for good, independently of all other aspects that are relevant and in which we all need to work together, I believe that the youth must have a fundamental voice.